Hello everyone, good evening. I hope everyone is enjoying the session and following all the guidelines that ma'am is giving. जब आप फॉलो करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे. आई होप एक दो दिन में भी आपको थोड़ा लाइट फील होना स्टार्ट हो गया होगा. टू कंटिन्यू आई एम वेलकमिंग डॉक्टर दिव्या नाइक. मैम प्लीज. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन. ओवर टू यू. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. ओके, हेलो एवरीवन. सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है डे 3 डिटॉक्स में. सो आई होप सब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया है. तो मैं जानना चाहूंगी चैट आप लोगों से कि आप लोगों ने जो रूटीन्स बताए जा रहे हैं, जो चीजें अवॉइड करने के लिए बोली जा रही है, आपने वो स्टार्ट किया है करना जो बताया जा रहा है? किस किस ने स्टार्ट किया है? जस्ट टाइप यस. उषा देव जी, आपने स्टार्ट कर दिया है. ओके ग्रेट. ओके प्रमोद जी, आपने और प्रतीक्षा जी ने भी स्टार्ट कर दिया है. ग्रेट. तो मैं जरूर जानूंगी आप लोगों से कि आप लोगों को कैसा लगा, वो भी हम समझेंगे. तो विदाउट एनी डिले टाइम को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने स्टार्टिंग के 2 दिनों में सेशन में क्या सीखा है. तो फर्स्ट डे हमारा जो मेजर गोल था, जो हमने मेजरली जाना था, वो डाइट के बारे में था, जिसके बारे में जो मेजर हम चीजें फॉलो करने वाले हैं वो सब फर्स्ट डे आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं. आगे आने वाले दिनों पर उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए हम आपको और सपोर्टिव फैक्ट्स देने वाले हैं और मोटिवेशन देने वाले हैं ताकि आप उनको फॉलो कर सकिए. तो हाँ ठीक है, अभी सेशन स्टार्ट हुआ है तो मैं चाहूंगी कि सब लोग जरा अपना वीडियो ऑन कर लें तो हमें पता चल जाए सब रिसेप्टिव मोड ऑन है या सिर्फ लोग प्रेजेंट है यहाँ पर. सो लेट्स जस्ट सी कि आप लोग कितने रिसेप्टिव मोड पे हैं अभी लेने के लिए नॉलेज. ओके प्रमोद जी, उषा जी अभी ऑन था आपका वीडियो. ओके चैट पे आप लोग लिखना चाह रहे हैं. वॉइस नॉट कनेक्टिंग. ओके उषा जी, मेरी तरफ से नेटवर्क एकदम परफेक्ट है, जरा आप अपना नेटवर्क चेक करिए प्लीज. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट डे हमने मेजरली डाइट के बारे में सीखा कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए, शाम को स्नैक्स में क्या लेना चाहिए और डिनर में क्या लेना चाहिए, और इन सब के पीछे का क्या रीजन है वो हमने समझा. डिटॉक्स का क्या इम्पोर्टेंस है हमने समझा. किन परिस्थितियों में, किन डिजीजेस में और क्या प्रॉब्लम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, हमने ये भी समझा. सेकेंड डे जो था कल, उसमें हम लोगों ने उसी को सपोर्ट करते हुए फैक्ट्स के बारे में जाना कि हम किस तरीके से इन सब चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट डिटॉक्स आयुर्वेद के द्वारा किया कैसे किया जा सकता है, जिसमें हमने 5 मेजर प्रोसीजर्स के बारे में जाना. वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य. ये 5 प्रोसीजर्स डिटॉक्सिफिकेशन के मेन पिलर्स कहे जाते हैं आयुर्वेदा में. अगर आपको शरीर में कोई भी समस्या है तो उसकी मुख्यतः संभावना हो सकती है शरीर में आम का होना, मतलब शरीर में टॉक्सिन्स का होना, क्योंकि हमने फर्स्ट डे बहुत अच्छे से बात की थी कि ये जो टॉक्सिन्स हैं वो किस तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग तरह की समस्याओं को पैदा करते हैं. सो अगर हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स हैं तो हम उनको डाइट के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की. और दूसरे दिन हमने बात की कि पंचकर्म प्रक्रियाओं के द्वारा हम उन टॉक्सिन्स को कैसे शरीर से निकाल सकते हैं. अगर आपको ज्यादा कोई बड़ी परेशानी है तो आपको बिल्कुल आयुर्वेदिक फिजिशियन से सलाह लेनी चाहिए.
अदरवाइज आप उनको घर पे कैसे फॉलो कर सकते हैं, हमने वो भी समझा, जैसे कि फर्स्ट वुमन का जो प्रोसीजर है उसको हम घर पे कैसे फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन्स में आपको जो है वाटर को अच्छे से बॉइल करना है, उसमें नमक डालना है, नॉर्मल नमक डाल सकते हैं आप या सेंधा नमक डाल सकते हैं, और इस तरीके से 3-5 ग्लास जितने भी ग्लास आप पानी पी सकते हैं अपनी कैपेसिटी के ऊपर आप पी लीजिए। उखरू बैठिए जमीन पर और अपनी ये दोनों फिंगर्स को थ्रोट के बैक में डालना है और प्रोवोक करना है वॉमिटिंग प्रक्रिया को। इस तरीके से आप वॉमिट करेंगे तो जो आपका अमाशय है अगर उसमें कोई श्लेष्म है, उसमें अगर कोई कफ है तो वो निकलेगा। अगर आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी क्योर होंगी, आपका अमाशय जो है वो क्लीन हो जाएगा। पक्वाशय को क्लीन करने के लिए हमने बात की थी बस्ती प्रोसीजर के बारे में, अनीमा के बारे में हमने बात की थी। तो अनीमा भी घर पे लिया जा सकता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग बिल्कुल अपने कमेंट्स डाल सकते हैं ग्रुप पे, वी विल डिस्कस अबाउट इट कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन है तो आप जरूर बस्ती जाके लीजिए। सिर्फ 2-3 मिनट का ये प्रोसीजर है बट ये बहुत हेल्पफुल है आपके पकवाश है आपके कोलोन को क्लीन करने में, और अगर आपके टॉक्सिन्स जो जमा है आपके पकवाशय में वो क्लीन हो जाते हैं तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। स्पेशली अगर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, आपको बॉडी में किसी तरह का पेन रहता है, आपको जॉइंट से रिलेटेड समस्याएं हैं तो। लेकिन प्रोसीजर जो हमने बात की थी वो थी विरेचन। विरेचन मतलब डेफिकेशन के द्वारा हम कैसे अपने मल मार्ग से सारे टॉक्सिन्स को निकाल कर ठीक हो सकते हैं। ये स्पेशली पित्तज प्रकृति के लोगों के लिए था, जिन लोगों को प्रॉब्लम था स्किन से रिलेटेड, जैसे कि इन्फ्लेमेशन, रेडनेस इन द स्किन और सोरियासिस, एक्जिमा, इस तरह की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, चिड़चिड़ाहट रहती है, सो इसका मतलब आपके शरीर में पित्त मतलब बाइल का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, उसको शरीर से निकालने की जरूरत है। उसके लिए हमने विरेचन की प्रक्रिया बताई थी जो कि आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेटेड घी के द्वारा होती है, 3-5-7 days रहती है। इसमें इंक्रीज क्वांटिटी में आपको मेडिकेटेड घी दिया जाता है। लास्ट डे यू आर गिवन द मेडिसिन जिसके द्वारा मल मार्ग से आपके सारे टॉक्सिन्स जो है वो निकल जाते हैं। आप सद्य विरेचन घर पे ले सकते हैं अगर आपको छोटी मोटी समस्याएं हैं डाइजेशन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये सद्य विरेचन आप 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यूजुअली लोगों को उसमें से स्मेल आती है ऑयल में से। इसके लिए जो मैंने आपको ऑयल प्रिस्क्राइब किया था वो था कैस्टर ऑयल, दैट इज एरंड का तेल। इट्स वेरी गुड फॉर आमबात के जो लोग होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पेशली उन लोगों में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो लोग हैं वो टॉक्सिन्स जो है जॉइंट्स में जमा होते हैं और ये ऑयल के द्वारा उसमें काफी हेल्प मिलती है विरेचन में। और स्पेशली बोला जाता है कि वो लोग जो आटा मांटते हैं उसमें भी ऑयल का यूज कर सकते हैं, पर वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, पर्टिकुलर डिजीज पर हम नहीं जाएंगे। पर हमने बात की थी वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण के बारे में हमने बात की थी कि रक्त मोक्षण एक बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है। अगर आपको रक्त मतलब ब्लड इम्प्योरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको रक्त मोक्षण लेना चाहिए आसपास आयुर्वेदिक फिजिशियन से। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम जो है वो ये ब्लड जो हम डोनेट करते हैं वो आप कर सकते हो, क्योंकि उससे अगेन जो आरबीसी बनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और उससे भी आपको काफी फायदा मिलता है। क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम जाके जलों का उपचरण ले सकें, लीच थेरेपी ले सकें, तो आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी बेनिफिशियल। फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसीजर के हमने बात की थी नस्य के बारे में, स्पेशली जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, जिनको हेडेक रहता है, जिनको कफ एंड कोल्ड रहता है, जिनकी जो आई साइड है वो वीक है, आईज में प्रॉब्लम होती है, जिनके कानों में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हमने नस्य का प्रोसीजर बताया था जिसमें 2-3 drops ऑफ अणु तेल के द्वारा या फिर अलग से स्पेसिफिक ऑयल के द्वारा आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स में वो इंसर्ट किया जाता है ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स। वो नस्य का प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है,
अगर आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन को जानते हैं आप ले सकते हैं, दूसरी बार से आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो आप घर पे ही ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें आपको ज्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो आप वो चीज खरीद सकते हैं आयुर्वेदिक शॉप से अणु तेल, और घर पर ही नस्य का प्रोसीजर जो है वो ले सकते हैं। तो इन 5 डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस के बारे में हमने समझा था, परसों हमने डाइट से रिलेटेड चीजें समझी थी। अब मैं आज का जो है टॉपिक, आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट करूंगी। उससे पहले जानना चाहूंगी कि कितने लोग रेडी है आज के प्रेजेंटेशन से पहले। आपका एंथुजियाज्म हम लोग को हेल्प करता है, इससे हमें पता चलता है कि ये 3 दिनों में आपने सीरियसली चीजों को अटेंड किया है एंड आप उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप करना चाह रहे हैं उस चीज को। बताइए यस के द्वारा आप हामी भरिए एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके, एवरीवन ग्रेट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज हमारा 3rd डे है। सो आज हम सबसे पहले समझेंगे खाने के बारे में। सो आई एम श्योर मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना मुश्किल हो रहा है, दिन में खाना खाने का जो है वो मन हो रहा है। तो फूड तो इम्पोर्टेंट है ना मैम, फूड के बिना कैसे काम हो सकता है। खाना तो इम्पोर्टेंट है, जिंदगी जब तक चल रही है, दिन जब तक खत्म नहीं हो रहा, जब तक हम सर पे सो नहीं जा रहे, खाना तो इम्पोर्टेंट है। हर थोड़ी देर में खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वॉट वी हैव बीन थिंकिंग, दिस इज वॉट हमारी थॉट प्रोसेस जो है। बट हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी बिग मिथ एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड फ्रॉम हेयर। अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे तभी आप इस डिटॉक्स डाइट को कर पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार के चेंजेस को ला पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में जो है डाइट से रिलेटेड चेंजेस को लेकर आ पाएंगे। तो ठीक है, सब लोगों ने यस लिखा है, थैंक यू सो मच। तो अब हम चलते हैं डाइट के ऊपर। तो जो डाइट है हमारा, फूड क्या काम करता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब घर बनाते हैं तो जो घर का जो बिल्डिंग मटेरियल है सीमेंट वगैरह, इस तरीके से जो हमारा शरीर है उसमें एक बहुत ही मेजर रोल फूड का रहा है, ये सब हम जानते हैं। ऑफकोर्स ये सब हम जानते हैं, पर हम क्या मानते हैं साथ में कि जब तक हम जी रहे हैं मतलब हम फूड के बिना कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट राइट, सिर्फ फूड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी रोज की प्रक्रियाएं जो हम कर रहे हैं उसमें, हमें और भी चीजों से एनर्जी मिलती है। ये सोच के कि सिर्फ फूड से एनर्जी मिलती है, हम फूड को पचने का टाइम बिल्कुल नहीं देते हैं और हम फूड को अपने ऊपर ओवरलोड करते जाते हैं। इट्स जस्ट अ बिल्डिंग मटेरियल फॉर बॉडी। फूड का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में वो ये है कि वो किस तरीके से हमारी बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेन करता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसीलिए जो हमने डिटॉक्स डाइट की बात की है, इसमें हम आपको स्पेसिफिक डाइट्स बता रहे हैं कि आपको मॉर्निंग रूटीन मतलब शाम 7 से 8 बजे आपको डिनर करना है, उसके बाद आपको 10 बजे जो है वो ग्रीन जूसेस लेना है, 10 बजे तक आपको कुछ नहीं लेना है। योर बॉडी इज इन 14 आवर्स फास्टिंग स्टेट, तो अपने आप ही उसमें जो डिटॉक्स की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी जो बॉडीली लेवल पे है। उसके बाद व्हेन जब आपको खाने का टाइम आ रहा है और आप अपनी बॉडी में फिर से कुछ हेल्दी चीजें डाल रहे हो, जैसे कि ग्रीन जूस, अगेन आप ग्रीन जूस डाल रहे हो वो आपको डिटॉक्सिफाई करने में ही हेल्प कर रहा है, वो आपको रिपेयर करने में ही हेल्प कर रहा है, वो आपको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। तो फूड का जो मेजर रोल है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। फूड का ये भी रोल है कि वो बॉडी को क्लीन करे, ना कि बॉडी में जाकर रुक जाए। उसका काम है कि वो बॉडी को क्लीन करे। वो किस तरीके से बॉडी को क्लीन करता है, अभी हम जब देखते हैं तो घर जब बनता है तो घर को क्लीन भी करना होता है हमें, राइट। तो घर की क्लीनिंग में कुछ ना कुछ हम यूज करते हैं, तो घर में जो मटेरियल यूज होता है वो कहीं ना कहीं क्लीनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें घर को क्लीन रखने के लिए भी
पानी की जरूरत है, हम रोज झाड़ू लगाते हैं, इस तरीके से हमारी बॉडी में रोज क्या जा रहा है? खाना। खाने के अलावा तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो खाने को ही हमें यूज करना है एज द क्लीनिंग मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। क्लीनिंग ऑफ द बॉडी इज इम्पॉर्टेंट, विच इज ऑल्सो डन बाय फूड। ऑफकोर्स खाना है तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग बोल रहे हो कि अरे ये तो फर्स्ट पॉइंट में आना चाहिए, हम तो खाना स्वाद के लिए खाते हैं। That is the root cause of all the problems. हम टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, हमारा मन करता है खाना खाने का, इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो टेस्ट एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे मन के का, हमारे मन को शांत करने के लिए, हमारे मन को सुखी करने के लिए हम खाना खाते हैं। सो फूड के हमने रोल्स देख लिए। तो ये जो पूरा कॉस्मोस है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो हमारी पूरी शरीर है, ये पंच भौतिक संगठनों से बना हुआ है। और आज हम इन्हीं पंच भौतिक संगठन के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको डाइट तो बता दी, लेकिन उस डाइट को फॉलो करवाना भी अभी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम कुछ डिफिकल्ट सुनते हैं, ओ ये नहीं खाना, ओ वो नहीं खाना, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अस टू फॉलो राइट। जब तक हमको उसके पीछे के बहुत सारे फैक्ट्स ना पता हो, जब तक हमें बहुत सारे रोल्स ना पता हो, उसके बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस ना पता हो, हम अपने हाथ ऊपर रखते हैं, हमें फॉलो नहीं करना, हम आप पर ट्रस्ट नहीं करते। तो आज मैं उसी फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो चीजें लाई हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जो पूरा शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। इनफैक्ट ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। पहला पंच महाभूत आकाश तत्व। तो आकाश जो है, आसमान हमें दिखता है, जो एम्प्टी स्पेस है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो एम्प्टी स्पेस है हमारी बॉडी में, एम्प्टी स्पेस इन द सेंस जो वेसल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, जो स्टमक के बीच में, जब जो सारे जो लंग्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, तो वो जो एम्प्टी स्पेस है दैट डिनोट्स आकाश तत्व। सेकेंड इज वायु तत्व। वायु मतलब एयर एलिमेंट। तो ये पूरे ब्रह्मांड में एयर है, बिना हवा के तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी वायु तत्व है, तो वात भी कहते हैं, एयर एलिमेंट। हम सांसें ले रहे हैं, ऑफ कोर्स अंदर एयर जा रही है, सो ये जो एयर है, ये वात है, ये हमारे पूरे शरीर में होता है। इसके भी कई प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में, पर उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। सो हमारे शरीर में भी एयर है और इस ब्रह्मांड में भी है। थर्ड थिंग इज अग्नि तत्व। अग्नि इज आग। तो इस ब्रह्मांड में अग्नि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो सूरज है वो हमें गर्मी देता है, वो हमें अग्नि की तरह बिल्कुल बिल्कुल आग का गोला उसको कहते हैं, पर अगर सूरज नहीं होगा तो ये दुनिया कुछ नहीं है, ये कैसे चलेगी। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी अग्नि तत्व होता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये खाना पचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आंखों की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये खाने के मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी कई प्रकार होते हैं, अगेन हम इसका बेसिक रोल समझ लें, पाचन। तो अग्नि तत्व होता है हमारे शरीर में। फिर होता है जल तत्व। अब हमारे ये पूरे ब्रह्मांड में तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज जो है वो वॉटर का ही है, बिना जल ही जीवन है हमें पता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में, अभी हम ब्लड को देख लें, हमारी शरीर में जो बाकी जो हम खाते हैं उससे जो आहार का जो रस बनता है वो अगर हम देख लें, लिम्फ नोड में जो लिम्फ है, सो हर चीज के बेस जो बेस है वो जल है। हमारी बॉडी में भी जल है, इस ब्रह्मांड में भी जल है। तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व। पांचवा तत्व की गेस करना चाहेगा क्या है, पांचवा तत्व कौन सा है? चार तत्व तो हमने देख लिए, पांचवा तत्व कौन सा है, किसी को पता है, कोई बताना चाहेगा? जी उषा जी, आप चैट पे लिख सकते हैं क्या? जी उषा जी बताइए। पृथ्वी तत्व। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। ओके, वेरी गुड। सो पृथ्वी तत्व मतलब अभी हमारी जो बॉडी है वो इतनी ठोस जो है वो पृथ्वी तत्व की वजह से ही है। तो ब्रह्मांड में भी पृथ्वी तत्व का वही महत्व है और इस शरीर में भी।
अब इसको हम डाइट से कैसे रिलेट करने वाले हैं वो हम जान लेते हैं. सो फर्स्ट तत्व जो है आकाश तत्व, उसको हमारे शरीर में लाने के लिए हमें सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है. शाम का खाना 7 से 8, 8:30 बजे तक कर लीजिए. उसके बाद आपको रात भर, तो ऑब्वियसली आप 8 घंटे सोते हो, फिर सुबह सुबह उठते ही साथ कुछ खाने के पीछे नहीं भागना है. आपको 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है. तो इससे जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है, जो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है खाने के बीच में, वो है आकाश तत्व. वो हमारी बॉडी में आकाश तत्व को क्रिएट कर रहा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफकोर्स जो आकाश तत्व है वो फास्टिंग के द्वारा गेन होता है. सो अब जब हम शाम को खाने के बाद सीधा सुबह कुछ ले रहे हैं, सो सो ये जो हम ले रहे हैं पूरा फास्टिंग हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहा है, जो हम टाइम ले रहे हैं गैप, ये हम फास्टिंग क्रिएट कर रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. और इसलिए फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम तो चलो इंडिया में तो ऑलरेडी लोग धार्मिक होते हैं, वो फास्टिंग नॉर्मली भी फास्टिंग करते हैं कि चलो एक दिन हफ्ते में तो फास्ट करना है. कोई हनुमान जी के लिए करता है, कोई शिव जी के लिए करता है, कोई सरस्वती माँ के लिए, कोई संतोषी माँ के लिए, कोई शनि भगवान के लिए, किसी ना किसी तरीके से हम फास्टिंग करते हैं हफ्ते में. और अगर नहीं करते हैं और हमारे पास कोई रीजन नहीं है, तब भी अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं. इट्स नॉट बैड, इट्स गुड फॉर बॉडी. बॉडी को टाइम मिल जाता है प्रोसेस करने के लिए. बॉडी को भी ब्रेक चाहिए ना, बॉडी को भी ब्रेक मिल जाता है. तो एक दिन आप फास्ट कर सकते हो हफ्ते में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. नवरात्रि फास्टिंग आती है 2 बार साल में, वो भी इंडियंस बहुत करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. वो भी बॉडी में एक तरह से एक डिटॉक्स का तूफान लेकर आती है, आकाश तत्व को कुछ सारा लेकर आती है. तो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ओवरऑल digestion process, metabolism process and a kind of detoxification of the body. So ye jo akash tatva hai ye detoxification ke liye bahut. Next jo hum aate hain wo hai vayu tatva ke upar. Vayu tatva jo hum shuru ho jata hai isko hum apni body mein dalne ke liye 10 baje se, subah 10 baje se 10 am tak humne kuch nahi liya. Ab 10 baje agar hame lag raha hai ki we have to eat something. Don't forget friends, जहां पर मैं बात कर रही हूँ ब्रेकफास्ट को स्किप करने की, वहां पर मैंने आपको बताया है कि आप 8 घंटे सोकर उठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना है उस चीज के लिए, क्योंकि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी, जीवनीय शक्ति भरी हुई है. आप अपना पूरे जो सारे काम है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं. तो इसीलिए जो 10 बजे के बाद आपको जो करना है वो ये है कि आपको वायु तत्व अपने शरीर में डालना है. मैं 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगी इसमें. ओके. तो जो वायु तत्व है उसको हमको लेना है, उसको हमें ग्रहण करना है 10 बजे से. तो ये हम किस हिसाब से कर सकते हैं, किस बेसिस पर कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वही मैं आज रिपीट करने वाली हूँ कि किन चीजों से हमें वायु तत्व मिलता है. सो ग्रीन लीव्स गिव अ लॉट ऑफ वायु तत्व टू अस. सो ग्रीन लीव्स में आंवला, इमली, बथुआ, बेलपत्र, पुदीना, पालक, तुलसी, जामुन, मैंगो, कड़ी पत्ता, धनिया, शीशम, पीपल, बथुआ, ये सारी जो पत्तियां हैं इनको हम यूज कर सकते हैं जूसेस बनाने के लिए. और जो भी पत्तियां अवेलेबल हो, ट्राई एंड टेस्ट इट, एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ एंड अपनी बॉडी में आप लिक्विड के तौर पर इस टाइम पे डाइट डालिए, ना कि सॉलिड के तौर पर. फिर ये जो है ये ब्लड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा ये क्वालिटी ऑफ ब्लड को, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव
करेगा और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रेंथन करता है। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, आप देखोगे अगर आप किसी भी तरह का इन्फेक्शन है बार बार हो रहा है, आप बहुत प्रोन हो डिजीज के लिए, आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो ये चीज अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, इसके एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम, दीज हेल्प यू अलॉट। थर्ड जो है वो है अग्नि तत्व। ऑब्वियसली इसके अलावा भी मैंने बात की थी वायु तत्व में और क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं। पालक हम यूज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा हम जूसेस में टमाटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर मतलब ककड़ी वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हम यूज कर सकते हैं जूसेस बनाने के लिए, टेस्ट के लिए। नेक्स्ट इज अग्नि तत्व। सो अग्नि तत्व जैसा कि मैंने बोला पाचन प्रक्रिया जो हमारी है उसको डिनोट करता है। हमारी बॉडी में अग्नि तत्व का काफी अच्छा रेशियो, काफी अच्छी मात्रा होती है 12 बजे से लेकर शाम तक, जब सूरज जो है वो अपनी चरम सीमा पे है तभी हमारी पाचन प्रक्रिया भी अपनी चरम सीमा पर होती है। तो ये है अग्नि तत्व। ये डाइजेस्टिव फायर को डिनोट करता है और ये बहुत पीक पर होता है 12 बजे से शाम तक। तो आपको 1 बजे मैंने क्या बताया था कि 1 बजे आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे आप बहुत सारे सैलड्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप स्प्राउट्स ले सकते हो मतलब अंकुरित मूंग ले सकते हो और साथ में छाछ ले सकते हो मतलब बटरमिल्क। सो ये आपकी डाइजेशन को भी इनहेंस करता है एंड इट्स वेरी गुड। और इस टाइम पे आप जो खाओगे उसकी पाचन प्रक्रिया भी बहुत अच्छी रहेगी। बट बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग मेजर और भारी चीज खाने के लिए हम नहीं दे रहे हैं। आप इसको फॉलो करोगे प्रोसीजर को तो आपको अपनी बॉडी में लाइट फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे, प्लस आपकी बॉडी अपने आप में इनफ होगी डिटॉक्सिफाई करने के लिए। चार बजे से पांच बजे तक, अब दिन भर बीत चुका है, हमने इम्पोर्टेंट काम कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें कर ली हैं हमने, सो अभी हम क्या करेंगे, अब हम अपनी पसंदीदा स्नैक खा सकते हैं, अब हम जो भी चाहें वो खा सकते हैं पसंदीदा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको खाना है पर उसको खाना है इस तरीके से कि वो एज अ स्नैक, एज अ ब्रेकफास्ट जो हम लेते हैं नाश्ते के तौर पर खाना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, अभी 4 to 5 PM हम अपनी पसंद का खा सकते हैं जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ये है अग्नि तत्व का इंपॉर्टेंस। इसके बाद आएगा जल तत्व। जल तत्व जैसे कि हमने बताया है कि इस संसार में, इस सृष्टि में जल तत्व का क्या महत्व है। हमारी बॉडी में इट डिनोट्स कफ एंड श्लेष्मा, तो बॉडी में कफ और श्लेष्मा को डिनोट करता है और जल का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये जो है इसका अगर बॉडी में बैलेंस है तो बॉडी के अंदर सभी प्रक्रियाओं को, सभी प्रोसेसेस को ये काफी ज्यादा इंटैक्ट रखता है और काफी ज्यादा सुचारू रखता है। तो इसीलिए जल का जो बैलेंस है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बोलते हैं लोग कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, बट द ट्रूथ इज कि वो एक मिथ है। जब आपको प्यास लगे तभी आपको पानी पीना चाहिए। जब बॉडी में पानी कम होगा तो बॉडी हैज इट्स ओन वेज टू इंडिकेट यू कि उसको पानी चाहिए। जब स्किन में ड्राइनेस होती है या फिर आपको जब प्यास लगती है तो अपने आप दैट्स द इंडिकेशन कि आपकी बॉडी को पानी चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर व्हेन यू आर थर्स्टी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे लोगों को पता है पर फिर भी हम बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, जब आप खाना खाइए उसके 1 घंटे तक पानी मत लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। सो वही आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम पानी पीते हैं तो वो हमारी अग्नि को मंद कर देता है और खाने की पाचन क्रिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पृथ्वी तत्व, जो कि सब लोग बहुत खुश होंगे सुन के क्योंकि डिनर टाइम है भाई, अब तो खाएंगे हम अच्छे से। तो ऑफ कोर्स आप कोई भी एक सीरियल ले सकते हो, जैसे कि राइस, बीट या फिर मिलेट, आपको इनमें से कोई एक ग्रेन लेना है, सीरियल्स लेना है और सीरियल्स लेना है और एक कोई ग्रेन्स ले सकते हो, आप पल्सेस ले सकते हो। इसके साथ आपको साथ में ये ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप या तो फिर रोटी के साथ सब्जी खा लो, या तो दाल के साथ सब्जी खा लो, या तो चावल के साथ सब्जी खा लो। तो सब्जियों को आप जरूर रखिए अपने खाने में और उसके साथ कोई भी एक जो है वो ग्रेन आप रख लीजिए।